गुड मॉर्निंग एवरी वन. टुडे वी आर गोइंग स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 3.2, जिसमें हमें क्या करना है, टेस्ट डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर 11. 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है. 11 की डिविजिबिलिटी की कंडीशन क्या थी कि ओड प्लेसेस का सम एंड इवन प्लेसेस का सम जो आएगा उसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, या तो ज़ीरो होना चाहिए या 11 पर पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए कि उसमें जो रिमाइंडर ना बचे. तो फर्स्ट नंबर हमें क्या गिवन है, 38016. तो उसके लिए इजी करने के लिए ना आप ये चीज़ लिख लो कि ये कौन से प्लेस पर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ. अब हमें पता है कि जो वन नंबर होता है वो ओड होता है, तो ओड से स्टार्ट होगा ऑलवेज, ओड इवन एंड ओड. एंड द सम ऑफ ओड प्लेस क्या है, यानी कि जो ओड प्लेस पर जो नंबर है वो हम राइट कर लेते हैं, 6 है, ओड प्लेस पे 0 है एंड देन क्या है 3 है, इनका प्लस क्या हो गया 9. फिर हम क्या करते हैं, इवन प्लेसेस, इवन प्लेस पर क्या है 1 और क्या है 8, इनका सम क्या हो गया 9. तो डिफरेंस क्या है, 9 - 9 विच इज़ 0. तो हैंस द गिवन नंबर होल्ड द कंडीशन ऑफ डिविजिबिलिटी 11. 11 की डिविजिबिलिटी की कंडीशन को होल्ड करता है क्योंकि हमने क्या रीड आउट किया था कि 11 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, सम ऑफ ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ इवन प्लेसेस क्या होनी चाहिए, उनका जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. सो द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 11. सिमिलरली सेकेंड सम है, इनका भी जो सम है ना ओड और इवन से स्टार्ट होगा, ओड इवन एंड ओड. सम ऑफ ओड प्लेसेस इसका भी 9 आएगा एंड इवन प्लेसेस 9 आएगा, तो 9 - 9 इज 0. तो सिमिलर लाइन हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे. उसके बाद हमारे पास क्या है, थर्ड नंबर गिवन है. राइट डाउन करना स्टार्ट करते हैं, ओड इवन देन ओड इवन ओड एंड देन इवन. उसके बाद हमें क्या करना है, सम ऑफ ऑड प्लेसेस. सम ऑफ ऑड, ऑड नंबर पर यहाँ पर कौन सा है, 8, 9 and 4, इनका प्लस करेंगे विच इज़ 21. इवन प्लेसेस का सम क्या है हमारे पास, 2, 6 and 2 विच इज़ 10. डिफरेंस क्या है ऑड और इवन का, 21 और 10 में से माइनस करेंगे 11. तो 11 पर पूरा पूरा डिवाइड होता है, 11 - 11, क्योंकि जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर आएगा. तो भी हम सेम ही लिखेंगे, हैंस द नंबर गिवन नंबर होल्ड द कंडीशन ऑफ डिविजिबिलिटी 11. सो द गिवन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 11. एक बार जो 9 सम है वो आपको स्किप करना है, ये हम नेक्स्ट करेंगे. 10th क्वेश्चन हमारा क्या है, टेस्ट वेदर 1728 इज डिविजिबल बाय बोथ 8 and 9. 8 and 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है हमें. तो 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 पर डिवाइड है तो वो नंबर 88 पर डिवाइड होगा. तो लास्ट 3 डिजिट क्या है, 728 विच इज़ डिविजिबल बाय 8. 8 पर डिवाइड करेंगे तो 8 - 9 = 72, देन 8 आएगा तो देन 8 - 8 आ जाएगा, देन द गिवन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8. एंड 9 की कंडीशन क्या होती है कि ऑल डिजिट्स का प्लस कितना होना चाहिए, जो आंसर आएगा वो किस पर डिविजिबल होना चाहिए हमारा, 9 पर. तो इसका जो एडिशन आएगा वो क्या आएगा, 18 आएगा. तो 18 9 के टेबल पर आता ही है, 9 - 18 विच इज़ डिविजिबल बाय 18. सो द गिवन नंबर इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 9. सो 1728 इज़ डिविजिबल बाय बोथ द नंबर 8 and 9. तो एक्सरसाइज 3.1 हमारी जो है कंप्लीट होती है. तो ये आप अपनी नोटबुक पर भी कंप्लीट कर लो, सॉरी 3.2. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.